45 circular plates, each of radius 10 cm, 10.5 cm and thickness is 1.6 cm, are placed one above the other to form a solid circular cylinder. Find the curved surface area and the volume of the circular cylinder. सिलेंडर सो फॉर्म्ड. अच्छा देखिए क्या कह रहा है. अभी 25 प्लेट्स को रखकर इस तरह से यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है एक दूसरे के ऊपर रख के. ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर जो फॉर्म हुआ है कैसे सिलेंडर फॉर्म हुआ. तो यहाँ पे 25 सर्कुलर प्लेट्स को जब इस तरह से रखा गया है एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे, तो इस तरह से रखने के बाद हमें एक ये सिलेंडर फॉर्म हुआ है. तो इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर. हाइट कैसे पता करेंगे, तो ये जो थिकनेस दिया है ना हर एक का 1.6 सेंटीमीटर 1.6 सेंटीमीटर, तो उसी को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा. चलिए तो पहले रेडियस लिख लेते हैं. रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर से वो 10.5 सेंटीमीटर है. और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, तो सिलेंडर का हाइट यानी कि एच कितना हो जाएगा जी, तो 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 सेंटीमीटर से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा जी, इनटू कर देंगे तो आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, है ना जी, यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग. यहाँ पहले में क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, पहले लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2πRh, तो 2 इंटू में 22/7, आर का वैल्यू है 10.5 और एच का वैल्यू है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे काट सकते हैं, ठीक है, 1.5 टाइम्स में सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 44 इंटू में 1.5 और इंटू में ये 40, तो आपका आ जाएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं. अब यहाँ पे लिखते हैं सेकंड नंबर में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम निकालना था ना जी, वॉल्यूम निकालना था, सरफेस एरिया नहीं निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कह रहा है आपके क्वेश्चन में, है ना, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 22/7, आर का वैल्यू है यहाँ पर 10.5 इंटू में 10.5 और एच का वैल्यू है 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे हम लोग काट देते हैं 1.5 टाइम्स में. तो चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 इंटू में 1.5 इंटू में 10.5 और इंटू में ये आपका 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ मेटालिक सर्कुलर